इसे असेंबल कर रहे हैं गोल्डन पैंथर को। ग्राउंड ब्रेकिंग का फायदा क्या होता है, ये मशीन आप चला रहे हो, अभी हम इससे सर्च करने चलेंगे। 60 से 70 तक आपका गोल्ड आता है, एक फीट डीप में बता रहे हैं जनाब, क्योंकि जमीन के अंदर है। और इधर नहीं, इधर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMD पाकिस्तान, AMD पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज गोल्डन पैंथर मशीन, हमने कहा जनाब आज आपको आउटडोर इसका डेमो दिखाया जाए कि इसे ग्राउंड बैलेंस किस तरह किया जाता है। तो अभी ये इसे असम्बल कर रहे हैं गोल्डन पैंथर को, और इसकी क्वाइल, इसका CPU वगैरह सब फिट कर रहे हैं। तो अभी इसका आपको लाइव डेमो दिखाएंगे जनाब, इसे ग्राउंड बैलेंस किससे किया जाता है, ज़मीन की गहराई किस तरह मालूम की जाती है, किस तरह रीडिंग ली जाती है। ईजिली ये अनअसम्बल्ड हो जाती है, छोटे से बैग में भी आप इसे रख सकते हैं, ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और क्या क्या खूबियाँ, इसकी फर्स्ट वीडियो आपने देखी थी जिसमें बताया था जनाब इसमें क्या क्या फीचर है, अनबॉक्सिंग करके दिखाया था। इसकी रेंज भी हमने चेक करवाई थी आपको इसमें कि इसकी रेंज कितनी होती है। आज इस वीडियो में दिखाएंगे जनाब कि इसे ग्राउंड बैलेंस किस तरह करते हैं, गहराई के बारे में किस तरह मालूम लेते हैं इससे, और किस तरह पता चलेगा ज़मीन के अंदर गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, किस तरह इसे ऑपरेट करते हैं, ये चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। अभी गोल्डन पैंथर मशीन को हमने असम्बल कर लिया है अभी, और डबल डी इसके साथ क्वाइल 11 इंच की इसके साथ लगी हुई है। सबसे पहले ये बटन आप देख रहे होंगे, पावर का लिखा हुआ है, इसे ऑफ भी होता है, ऑन भी होता है, पावर ऑफ ऑन होता है। तो इस मशीन को मैंने इसे ऑन कर लिया है, इस बटन से आप देख रहे होंगे इस मशीन को मैंने ऑन कर लिया है। और ऑन करने के बाद को जब मैं मूव कर रहा हूँ इस बटन को, इससे गेन, ये देखिए यहाँ गेन लिखा हुआ रहा है, 20 लिखा हुआ रहेगा। और जैसे जैसे इस वेरिएबल को, वॉल्यूम को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखिएगा नंबर बढ़ लेंगे, 100 तक जाता है तकरीबन। और ये गेन इसका कम हो रहा है, गेन क्या होता है, गेन को समझ लेंगे, रेंज होती है, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे वैसे सेंसिटिविटी, जितनी रेंज मशीन की बढ़ जाती है, जितनी गहराई में काम करेगी, और जितना कम करेंगे, जितनी कम गहराई में करेंगे तो इसे अपनी मर्जी, अगर आपने ज़्यादा गहराई में करना है तो 50 पर 60 पर या 70-80 पर भी रख सकते हैं, और कम गहराई में सर्च करना है तो इसे आप 25, 30, 40 पर भी रख सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इसको जो है, मैंने कम रेंज पर चेक करना है तो इसे 30 पर मैंने गेन को भी सेट कर दिया। तो ये बटन 2-in-1 है का, सबसे पहले इसे ऑन ऑफ, ऑन भी करते हैं, ऑफ भी करते हैं, और गेन सेट करते हैं, यानी गहराई की ज़मीन की कितनी दूर तक आपने सेट करवाना है, सेंसिटिविटी को सेट करते हैं। इसके बाद ये जो वेरिएबल आप देख रहे हैं, ये मल्टीपर्पज़ वेरिएबल है का। सबसे पहले जब आप इसे घुमाएंगे तो देखें, इधर 3 शोल्ड लिखा हुआ रहा है, और ये बाकायदा लिखा हुआ है। 3 शोल्ड क्या होता है कि इसको मैं अभी घुमा रहा हूँ, ये देखें -20 बता रहा है। जैसे जैसे मैंने 0 पर लेकर आऊँगा इसे, ये 0 पर आ गया। 3 शोल्ड से मुराद ये होती है कि जब मशीन को आप चला रहे होते हैं ना, हल्का सा एक साउंड आ रहा होता है शोर का, और उसके दौरान जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसका साउंड आ रहा होता है। अब इसको मैंने 0 पर कर दिया, नहीं बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया है। अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा आप देखें मशीन में शोर आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सी सॉयल ज़मीन ऐसी होती है जहाँ 3 शोल्ड आप बढ़ाते हैं ताकि उसमें से जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी आवाज़ आपको क्लियर आ सके। और अगर बहुत ज़्यादा मशीन शोर कर रही है तो ऐप से माइनस में भी सेट कर देंगे तो वो शोर कम हो जाता है। और सबसे इसकी बेस्ट जो सेटिंग है, या तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर रखें, बिल्कुल 0 पर, और या माइनस पर, या फिर इसको 0 पर लेकर आ जाएं, ये बैलेंस हो गया आएगा। ये नॉर्मल सॉइल जो है वो 0 पर आप करेंगे, कोई ऐसी मशीन है, ज़मीन है कि कोई ऐसी ज़मीन है कि जहाँ पर मशीन बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, तो आप इसे नेगेटिव पर सेट करेंगे मैक्सिमम पर। और ऐसी जगह है जहाँ पर आप चाह रहे हैं जहाँ बारिश ही ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आप 3 शोल्ड की थोड़ी खोल देंगे ताकि आपके कानों में हल्की सी हमिंग की आवाज़ आए। होगा क्या कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसकी आवाज़ भी आपको क्लियर वाजे सुनाई देगी। तो इसके अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसे फिलहाल मैं इसे 0 पर सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने गेन एडजस्ट करना है, 3 शोल्ड का सेट करना है, और ये बारी आपके ग्राउंड बैलेंस की। ग्राउंड बैलेंस से करते हैं, ये डबल जी का जो बटन दिया हुआ है इसको आपने दबाना है। दबाने के बाद मशीन को 5-6 दफ़ा आपने ज़मीन पर के पास ले आना है, फिर ऊपर लाना है, ज़मीन पर ले आना, ऊपर लाना है, इसे एडजस्ट इस तरह आपने मूव करना है ताकि आपकी जो मशीन है, जो आपकी ज़मीन है, उसके हिसाब से एडजस्ट कर सके। ग्राउंड बैलेंस का फ़ायदा क्या होता है, जब मशीन आप चला रहे होते हैं और बगैर ग्राउंड बैलेंस के आप चला रहे होते हैं तो ज़मीन के अंदर बारी बारी ज़र्रे होते हैं, आयरन के, कॉपर के, सिल्वर के, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पाए जाते हैं। उसकी पहचान ही है कि मकनातीस आप लें, मैग्नेट लें, उसको मिट्टी के अंदर आप घुमाएंगे तो बहुत से इलाकों में बारी बारी ज़र्रे चिपक जाते हैं आयरन के। उन आयरन के जो ज़र्रे होते हैं वो आपको आंखों से नहीं दिख रहे होते, मैग्नेट जब फेरते हैं मिट्टी पर तो चिपक जाते हैं। अब मशीन क्या होती है, जब सेंसिटिविटी या गेन आपने बढ़ाया हुआ होता है, सही है, और मिट्टी पर जब चला रहे होते हैं, कॉयल को मूव कर रहे होते हैं, तो मशीन आवाज़ कर रही होती है, शोर करने लगती है, यानी बता रही होती है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। और जब खुदाई करते हैं कुछ भी नहीं मिलता। वजह क्या है कि मशीन की आपने सेंसिटिविटी बढ़ाई हुई है, और बारी बारी जो जर्रे जो आंखों से दिख रहे हैं उन्हें भी पकड़ ली होती है। तो इसके अंदर ऑटो का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑटो बैलेंस का, ग्राउंड बैलेंस का। इस बटन को आपने जीजी को दबाना है और वो ये प्रोसेस आप करेंगे, तो उसके बाद जो बारी बारी जर्रे हैं उस पर ये साउंड नहीं करेगी, इग्नोर कर देगी। क्या जीजी का तरीका है, आपने इसे दबाना है ग्राउंड बैलेंस को, और कॉइल को ऊपर नीचे करना है इस तरह,
हल्का हल्का साउंड आएगा, उसके ऊपर ये साइलेंट हो जाएगी मशीन। अब देखें साइलेंट हो गई है, और उसके बाद ये ग्राउंड बैलेंस हो गया। इसके बाद आप इससे रीडिंग ले सकते हैं। अब देखें इसे मैं लेकर चल रहा हूँ, और कोई भी चीज़ अगर ज़मीन के अंदर होगी तो इसमें यह साउंड करेगी। तो अभी हम इसे सर्च कर रहे हैं। मिसाल के यहाँ पर ये आप घास देख रहे हैं, यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हुई होगी, मेटल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, तो कोई भी चीज़ ज़मीन के अंदर होगी इसे सर्च करेगी। उसके साथ साथ इसमें आप देख रहे होंगे नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, ऊपर एक ग्राफ भी दिया हुआ है, 0 से लेकर 100 तक 10, 20, 30, 40 सेंटर तक नंबर आ रहे हैं। ये आपको बताता है ज़मीन के अंदर जिस पर यह साउंड करेगी तो क्या चीज़ हो सकती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताएंगे। अभी हम इससे सर्च करने चलेंगे। कोई भी चीज़ होगी उसमें ये साउंड करेगी। मेरे सामने ये चेयर पड़ी हुई है, आप ये देख रहे हैं ये चेयर मौजूद है, इसके अंदर सरिया इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं इसको इधर करूँगा, देखें कॉइल को, साउंड कर रही है, सही है, सीमेंट की ये बनी हुई है, इसमें सरिया इस्तेमाल हुआ है। मगर अभी हम इधर देख रहे हैं जनाब, तो कोई चीज़ हमें यहाँ पर कोई ऑप्शन मिलता है तो यहाँ साउंड आ रहेगा, साउंड आपको मैसेज हो रहा होगा। साउंड आप तेज चाह रहे हैं, थ्री शोल्ड को बढ़ा देंगे और तेज़ हो जाएगा। ये देखिए थ्री शोल्ड को मैंने 0 पर सेट किया था, अब मैंने ये थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो थ्री शोल्ड बढ़ाने का फायदा होता है कि साउंड और क्लियर हो जाता है, हल्की सी हमिंग आती है उसके अंदर, तो यहाँ पर साउंड आ रहेगा इस जगह पर। तो इधर देखेगा ज़रा, खोल कर देखेगा, थ्री शोल्ड में कम कर देता हूँ ये, इधर साउंड आ रहा है, आयरन का पीस है का। देखिए आयरन की कोई चीज़ होगी तो इसमें जो रीडिंग आती है, आप यहाँ नंबर देख रहे होंगे, तो रीडिंग जो आती है वो 0 से लेकर 40 के दरमियान आती है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि रीडिंग जो आती है 0 से 40 के दरमियान इधर आती है। तो ऐसा इसे हम सर्च करते हैं, पता किसा करते हैं ज़मीन में अगर कोई चीज़ साउंड दे रहा है तो कितने फीट के अंदर हो सकता है। ये देखें, ये छोटा सा बोल्ट का पीस है, इसे मिट्टी के अंदर थोड़ा दबा देगा, 1 फीट नीचे दबा देगा। इसके बाद मशीन में आपने क्या करना है, ये जो बटन जिसे आपने थ्री शोल्ड सेट किया था, थ्री शोल्ड सेट कर रहे थे, इसको आपने क्या करना है जनाब, इसको लाकर यहाँ पर ऑफ कर देना है, ऑल मेटल पर सेट कर देना है, ऑल मेटल के ऊपर ऑफ कर देंगे। उसके बाद ये जो बटन देख रहे हैं डबल जी का, इसे हम दबा रहे थे, ग्राउंड बैलेंस हो रहा था। मगर अब क्या करेगा, जब इसे आप दबाएंगे तो ये आपको बताएगा ज़मीन में कितनी डीप में आपका ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ दफनेगी। आप देखें यहाँ जैसे मैं दबा रहा हूँ तो ये लिखा हुआ रहा है डीप 10 फीट, 10 फीट तक मैक्सिमम ये बताता है। तो हम देखते हैं जनाब, यहाँ पर हमने चीज़ वही से दबा कर रखना है हमने, और इसको मैंने बटन को दबाएगा, डीप लिखी हुई आ रही है, अभी बता रहे 1 फीट के करीब जो है, ये देखें पहले 1 फीट इधर, 1 फीट डीप में बता रहे हैं जनाब, कोई चीज़ ज़मीन के अंदर है, 1 फीट के करीब ज़मीन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट है। निकालें इसे ज़रा, और ये आपको बता देगा ज़मीन के अंदर जो चीज़ है उसकी डीप कितनी है, ये अप्रोक्सीमेट अंदाजे से बताता है। एक्यूरेसी के साथ आपको पता चल जाता है क्या चीज़ ज़मीन में कितनी गहराई में उससे अंदाजा हो जाता है, और मैक्सिमम 10 फीट तक ये आपको बता सकता है। अभी हम देखें जनाब, इसके मीटर पर रीडिंग क्या लेते हैं, किस्सा बताता है कि ज़मीन के अंदर सोना है, चांदी है, क्या चीज़ है। अभी आप देखें इनके पास एक रिंग है गोल्ड की, या गोल्ड की रिंग है, और ये सिल्वर या चांदी कोई भी, उस पर क्या रीडिंग आएगी वो हम देखेंगे। अभी इसके सामने गुजारेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन पर रीडिंग हम किस्सा लेते हैं। इसमें आप देखेंगे ऊपर एक बार आ रही है जिस पर लिखा हुआ 0, 10, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक रीडिंग आ रही है। अगर सिल्वर की कोई चीज़ या चांदी की कोई चीज़ होगी तो उसके ऊपर एक निशान आना शुरू हो जाता है, जो अगर सिल्वर या चांदी होगा जो 80 से लेकर 100 तक आएगा, सिल्वर गुजारेगा सामने से,
जी सिल्वर गुजारे। अब ये देखें इस पर, यहाँ पर जो बार आ रहा है अगर आप देख रहे हो गौर से, 8200 के सामने ऊपर बार हल्की हल्की लाइनें आ रही होंगी, सही है। ये इस साइड पर देखिएगा, इधर ये सिल्वर रहेगा। अब गोल्ड गुजारेगा इसके सामने से, गोल्ड गुजारे जी, ये गोल्ड का रिंग रहेगा जी, गोल्ड गुजार रहे हैं। गोल्ड की जो अमूमन रीडिंग आती हैगी वो 60-70 के दरमियान में आती हैगी। अब ये देखिएगा ज़रा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इस साइड पर देखेंगे 60-70 के दरमियान आ रही है, और नीचे नंबर्स भी लिखे आ रहे हैं 64 के करीब तकरीबन, सही है। जो ऊपर रीडिंग आ रही है वो नीचे आ रहा है। अगर ग्राउंड बैलेंस आपकी मशीन सही है तो ऊपर की रीडिंग और नीचे की रीडिंग मैच करेगी, अगर ग्राउंड बैलेंस आपका सही नहीं है तो नीचे वाले नंबर हो सकता है रॉन्ग आए। अच्छा, इसी तरह अगर आयरन की कोई चीज़ होगी ज़मीन के अंदर दफन, तो आप ये देख रहे हैं 0 से लेकर 40 तक जो रीडिंग आती है, 0 से लेकर 40 तक आयरन आता है, 60 से 70 तक आपका गोल्ड आता है, और इसके अलावा जो है 80 से लेकर 100 तक जो है वो सिल्वर या चांदी आता है। सिल्वर एक दफ़ा और गुजारेगा ज़रा, देखिए सिल्वर गुजार रहे हैं ये, और फिर रीडिंग देखेगा 87 के करीब आ रही है ऊपर, आप देखेंगे ऊपर बार जो है 90 के करीब बार आ रही है। कि अब गोल्ड फिर गुजारे के दफ़ा, मैं आपको एक दफ़ा और दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखेंगे गोल्ड का रिंग गुजार रहेंगे, ऊपर जो रीडिंग आ रही है कि वो 60 और 70 के दरमियान आ रही है। अगर कहीं पर रीडिंग आ रही है 60-70 करीब तो वो गोल्ड की चीज़ है और काम की चीज़ है, अगर सिल्वर है या चांदी है तो 80-100 तक आती है तो वो काम की चीज़ आप खुदाई करेंगे, और अगर 0 से लेकर 40 तक या 45 तक रीडिंग आ रही है तो वो बेकार चीज़ है, लोहे की चीज़ है, तो उस पर आप रीडिंग नहीं लेंगे। इस तरह आप इसमें कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब हमारे ऑफिस से बंदा लेता है तो ये सारी चीज़ें उसे हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, चेक कराते हैं, समझाते हैं कैसा ये मशीन काम करेगी। कोई सवाल आपके जहन में इस हवाले से हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया था, जल्दी से लाइक कर दें, जैसे कि बहुत सारी वीडियो हम बनाते रहते हैं जो आप देखते रहते हैं वक्तन फोक्तन, और जैसे कि बहुत सारी मशीन हमारे पास जो इकोनॉमिकल प्राइस में मौजूद हैंगी। इस मशीन में बहुत सारे ऐसे फीचर और खूबियाँ हैं जो आपसे अभी इसका जिक्र किया, तो आगे भी चल कर ऐसा की वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे इस तरह की चीज़ें, इस मशीन को चलाते किस तरह हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है, सारी डिटेल आपको बताते रहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।